हेलो भाई जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल आगरा में एक न्यूज़ आगरा से आई थी जिसमें लिखा था कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा। आज भी एक खबर आई है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी बहुत खास है, बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए भी बहुत खास है। आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग बहुत पुराने व्यूवर्स हमारे हैं, कि जब से आप लोगों ने एडमिशन लिया है तब से लेकर आज तक मैं आपको पल पल की अपडेट देता हूँ, चाहे वो यूपी स्कॉलर संबंधित हो, चाहे जिस भी चीज़ के लिए संबंधित हो। आगे जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो भी आपके साथ ये चैनल रहेगा, उसके बाद यूपी टेट, सी टेट दोगे, फिर सुपर टेट दोगे और फिर ज्वाइनिंग करोगे, तो ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पुराने व्यूवर्स हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पता नहीं क्यों नहीं किया यार, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और नए व्यूवर्स जो हो वो तो तुरंत सब्सक्राइब ही कर लो, क्योंकि आप इस पर आंख बंद करके इस चैनल पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए, हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बढ़ते हैं हम लोग अपनी आज की न्यूज़ की तरफ। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर आपने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का अगर आपने फॉर्म डाला है तो चक्षु प्रकाशन की बहुत ही बेहतरीन बुक जो है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें अगर हम बात करें, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बुक जो है आपको हर एक बुक की दुकान पर, आपको ऑनलाइन अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मोबाइल नंबर भी नीचे, आप कॉल कर भी ऑर्डर कर सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक चीज है। तो जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। चलिए, तो आज की जो न्यूज है उसको हम देखने से पहले आपको हम पहले डेट और दिखा दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर डेट दिखा दिया करिए, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। तो बृहस्पतिवार यानी आज के दिन का पेपर है, 10 जून 2021 का पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर ये न्यूज़ जो छपकर आई है वो मेरठ से छप के आई है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैं तो कानपुर का हूँ, मैं लखनऊ का हूँ, मैं आगरा का हूँ, मैं गोरखपुर का हूँ, सर आप मुझे मेरठ की न्यूज़ क्यों दिखा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हो, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बच्चों को प्रमोट किया था यूजी और पीजी वालों को, तब भी मैंने आपसे कहा था कि आपको एक यूनिवर्सिटी अभी दिख रही है लेकिन आगे चलकर सारी यूनिवर्सिटियाँ प्रमोट करेंगी, और लास्ट में यही हुआ कि सारी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया। रीजन क्या बनता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी जब प्रमोट कर देती है तो दूसरे यूनिवर्सिटी को डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। जैसे हम लोग होते हैं, कोई काम अगर हम लोग अपने गाँव में या अपने शहर में कहीं पहला काम अपना स्टार्ट करते हैं तो दूसरे लोग भी वो काम को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर एक यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करेगी तो दूसरी यूनिवर्सिटी भी प्रमोट कर देगी, क्योंकि होता यही है, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। आप खुद ही देख लो, सीबीएसई ने परीक्षा रद्द की, सीआईएससी ने भी रद्द कर दी और यूपी बोर्ड ने भी रद्द कर दी। अगर वहीं पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा करा रही होती तो ये कोई भी परीक्षा रद्द नहीं होनी थी, ये बिल्कुल निश्चित है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी का न्यूज हो आप उनको पढ़िए, हाँ ठीक है, लेकिन ये जरूर जरूर रहता है कि जब तक अपनी यूनिवर्सिटी जो है नोटिस नहीं जारी करती या ऑफिशियल न्यूज नहीं देखती है तब तक विश्वास नहीं किया था, करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए अभी जो है आज मेरठ से न्यूज निकल कर आई है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है और बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए भी है, तो इसको हम लोग देखते हैं। और अगर आप प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई मेहनत बहुत पड़ती है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का न्यूज पढ़ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का न्यूज पढ़ना यह मामूली चीज नहीं होती है। चलिए बात करते हैं, इसमें लिखा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेजों में वार्षिक प्रणाली के कोर्सों की परीक्षाएं 2 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, यानी जो परीक्षाएं फाइनल ईयर की होनी है वो 2 जुलाई से होंगी। फिर लिखा है विश्वविद्यालय 3 दिन के अंदर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, बीएड फाइनल ईयर की परीक्षा 1 सितंबर से होगी। यानी कि बीएड फाइनल ईयर की जो परीक्षा है इन बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर हैं, आपकी परीक्षाएं होंगी, कहीं पर 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी, कहीं पर अगस्त में ही शुरू हो जाएगी, कहीं पर जुलाई में भी शुरू हो सकती है और कहीं पर अक्टूबर में शुरू हो सकती है। तो परीक्षाएं सेकेंड ईयर वालों की तो होगी, ये तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि 2 जुलाई से परीक्षाएं कराने का पूरा कार्यक्रम बनाया जा रहा है, पहले से बनाए गए केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी, इनमें यूजी में द्वितीय और तृतीय वर्ष एवं पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी, बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं वार्षिक परीक्षाएं खत्म होने के बाद कराई जाएंगी। यानी जब यूजी और पीजी की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी जो कि 2 जुलाई से शुरू है, उसके बाद ही बीएड सेकंड ईयर का जो है पेपर होगा। और हालांकि हमेशा जो बीएड का पेपर होता है चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर, वो वार्षिक परीक्षाएं खत्म होने के बाद ही होती है। फिर यहां पर लिखा है बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं, ये न्यूज देखिए ये आपके काम की फर्स्ट ईयर वालों के लिए लिखा है, बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं होंगी या इन्हें भी प्रोन्नत किया जाएगा, सम सेमेस्टर की परीक्षाएं वार्षिक परीक्षाओं के साथ कराई जाएंगी या इन्हें अगस्त में कराएं, इन सभी निर्णयों पर 15 जून को होने वाली परीक्षा समिति में बैठक होगी। तो 15 जून को ये फैसला आएगा, ये लोग मीटिंग करेंगे कि क्या फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट करना है या इन लोगों का पेपर करवाना है तो कब से करवाना है, ये सारी चीजों पर 15 जून को जो है बैठक होगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए,
15 जून को जैसे ही मीटिंग होगी सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी रही बात आगरा की, तो आगरा ने तो क्लियर कर दिया है कि मुझे जो है बच्चों को प्रमोट करना है, लेकिन आगरा में भी अभी हम लोग को ऑफिशियल नोटिस का इंतजार है। जैसे ही आगरा से कोई ऑफिशियल नोटिस आती है आपको तुरंत इस चैनल टॉपर्स इनके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल ना परेशान होइए, प्रमोट होने को बिल्कुल ना परेशान होइए। इस चैनल पर कोई भी न्यूज आएगी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आएगी, पूरे यूपी में न्यूज आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा ये चैनल मेहनत नहीं कर पाएगा। आप लोग रहते हो 60,000 लगभग लोग हमारे पास हो, तो मैं अपने आप को मजबूत महसूस करता हूं और आपके लिए जी जान लगा देने के लिए तैयार हूं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।